14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने 6 लाख अनुयायियों के साथ मिलकर जिस दलित बुद्धिस्ट आंदोलन की महाशुरुआत की थी, अब वो और भी आगे बढ़ने जा रहा है। इस बार 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे के पूरे 10 करोड़ लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। इस महाअभियान का बीड़ा उठाया है मिशन जय भीम नाम के संगठन ने। दिल्ली के सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस बारे में बताते हुए कहा कि आने वाले कुछ सालों में बहुजन समाज की बहुत बड़ी आबादी महात्मा बुद्ध के रास्ते पर चलना शुरू कर देगी। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। साथियों, मैं एक हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं और मैंने इतिहास में पढ़ा है कि एक समय म्यांमार से लेकर काबुल कंधार तक पूरा भारत बौद्ध में था और सबको समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर थे। और उस वक्त बुद्ध के धम्म में सभी को बिना पक्षपात के संघ में शामिल होने की इजाजत थी। भारत में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय थे। विदेश के छात्र नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला आदि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते थे। उसी बौद्धमय भारत में राजा बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने धोखे से, छल कपट से उनकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद पूरे भारत से लगभग 84,000 बौद्ध मठों को उन्होंने तोड़कर निस्तनाबूद किया, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं करवाई और भारत के अंदर फिर विषमतावादी व्यवस्था को लागू किया। आज हमें इस बात का एहसास है कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, हजारों साल का हमने शोषण झेला है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हजारों साल की गुलामी से अपने पूरे जीवन के संघर्ष के बाद हमें आज़ाद कराया, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोले। और उनका एक सपना था कि भारत बौद्धमय बने। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ नागपुर में दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और अगले दिन उन्होंने चंद्रपुर में लाखों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई। और वो जो भारत को बौद्धमय भारत बनाना चाहते थे, वो उनका जो सपना था, चूंकि उसके बाद 1,22,000 के अंदर ही उनकी मृत्यु हो गई, वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, जिसकी वजह से बाबा साहेब का सपना सपना रह गया। हम सब लोग बाबा साहेब के बच्चे हैं, हम सब लोग बाबा साहेब के ऋणी हैं। आज जो गौरव का और सम्मान के साथ हमें जीने का मौका मिला है, वो बाबा साहेब की वजह से मिला है। तो हमें बाबा साहेब के इतने नालायक बच्चे नहीं हो सकते कि बाबा साहेब के उस सपने को, वो जो भारत को बौद्धमय भारत बनाना चाहते थे, जहाँ जातिगत उत्पीड़न ना हो, जहाँ समतामूलक समाज की स्थापना हो, जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय हो, एक ऐसे भारत को निर्माण वो करना चाहते थे। तो हमने संकल्प किया है 2025 में अशोक विजय दशमी के दिन हम लोग 10 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की उस सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। उसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हमने एक मिस्ड कॉल नंबर जारी किया है, वो नंबर है 8800662528। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो नंबर है 8800662528। कोई भी साथी जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्धिज्म में वापस आना चाहता है, वो इस नंबर पर मिस्ड कॉल करे। ये मिशन जय भीम ने जारी किया है। जैसे ही आप मिस्ड कॉल करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में जैसे ही आप लिंक को टच करेंगे, तुरंत वो लिंक खुल जाएगा और उसमें आपने अपनी नाम, फादर्स नेम और एड्रेस वगैरह भरना है और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन 2025 में जो 10 करोड़ बौद्ध बनेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी करेंगे,
ये उसके लिए रजिस्ट्रेशन है। तो मैं निवेदन करता हूँ, आओ हम सब मिलकर बाबा साहेब के भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को साकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो बताए गए नंबर पर मिस्ड कॉल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।